हेलो गाइस, हमने लास्ट लेक्चर तक आपका एआर डायग्राम कंसेप्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें मैंने आपको यही बताया था कि हम कैसे एआर डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं किसी एक रियल डेटाबेस के लिए, या फिर अगर आपको कोई रियल सिचुएशन देता है तो हम उसके ऊपर आपका एआर डायग्राम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब गाइस, इस लेक्चर में बात करेंगे आपके रिलेशनल मॉडल की। गाइस, ये सब आपका बेसिकली अगर सही बताऊं तो डेटाबेस की बहुत कोर टॉपिक है, या फिर कह सकते हैं कोर कंसेप्ट है, जिसके बेस पे आपका आगे का सारा काम डेटाबेस का चलेगा। गाइस, इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। अगर आपको एक चीज नहीं समझ आई तो गाइस आगे काफी दिक्कत होगी, क्योंकि गाइस आगे का पूरा जो भी आपका सिलेबस है, आपका इसके बाद एसक्यूएल पढ़ेंगे, फिर नॉर्मलाइजेशन पढ़ेंगे, गाइस सबका सब आपका रिलेशनल मॉडल के ऊपर डिपेंड है। तो गाइस वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। गाइस ध्यान से समझेंगे क्या मतलब है इसका। गाइस, हमने लास्ट लेक्चर तक आपका ईयर डायग्राम देखा कि हमने हमारा बेसिकली डेटाबेस का एक डिजाइन कंस्ट्रक्ट हो गया कि भाई ये एंटिटी है, उसमें उन सब के बीच में ये रिलेशन है और उन सब एंटिटीज के हमने एट्रीब्यूट्स देखे। अब बात आती है गाइस, मुझे अपने डेटा को डेटाबेस में स्टोर करना है तो गाइस कैसे करेंगे। बेसिकली गाइस किस तरह से हम अपने डेटाबेस में अपना डेटा स्टोर करेंगे, तो गाइस यहाँ पे हमें रिलेशन मॉडल का मतलब है कि हम अपने डेटा को डेटाबेस में गाइस रिलेशन की फॉर्म में स्टोर करेंगे। क्योंकि गाइस हम अपने डेटा को रिलेशन की फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, गाइस इसलिए इसको बोलते हैं आपका रिलेशनल मॉडल। अब रिलेशन का मतलब क्या है गाइस? रिलेशन का मतलब है गाइस आपका टेबल। मतलब आप जब भी अपना डेटा डेटाबेस में स्टोर करोगे तो गाइस बेसिकली आप बोल रहे हो कि आप अपना डेटा टेबल्स में स्टोर कर रहे हो। मतलब जैसे गाइस आपको अगर याद होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का आपको ईयर डायग्राम कंस्ट्रक्ट करके दिखाया था, और उसमें क्या था, उसमें गाइस आपकी एक एंटिटी पेशेंट थी, एक एंटिटी आपकी हॉस्पिटल थी, एक एंटिटी गाइस आपकी डॉक्टर थी, और गाइस एक एंटिटी आपकी मेडिकल रिकॉर्ड। अब गाइस होता क्या है, जैसे अलग अलग एंटिटी है, पेशेंट, हॉस्पिटल, डॉक्टर और मेडिकल रिकॉर्ड, अब जब भी मुझे इन सब का डेटा अपने डेटाबेस में स्टोर करना होगा तो मैं इन चारों की अलग अलग टेबल कंस्ट्रक्ट करूंगा एंड देन उस टेबल में उसका डेटा इंसर्ट करूंगा। समझे गाइस, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं और अभी ये चीज सोचने की जरूरत नहीं है कैसे डेटा स्टोर करेंगे, धीरे धीरे आपको सब चीज समझ आ जाएगी कि हम कैसे क्या चीज करते हैं और क्यों करते हैं। गाइस जैसे आपको याद होगा पेशेंट के आपके बहुत सारे एट्रीब्यूट थे, भाई पेशेंट का नेम था, पेशेंट की आईडी थी, पेशेंट की एज थी। तो ये हम करते क्या है, बेसिकली मैंने एक पेशेंट की टेबल बना ली और जिस जो जो एट्रीब्यूट्स हैं इसको मैं बेसिकली उस टेबल की हेडिंग बोल लो, या फिर गाइस उसको एक रो सबसे ऊपर, मतलब ये अलग अलग कॉलम्स बन जाएंगे उसमें, मतलब पेशेंट की आईडी, पेशेंट का नेम और गाइस पेशेंट की एज। तो गाइस ये बन गई है उसकी टेबल। अब अगर मुझे कोई भी डेटा इंसर्ट करना है, लेट्स सपोज पेशेंट का, गाइस लेट्स सपोज पेशेंट 1 2 3 उनकी आईडी है, नेम उनका ए बी सी है, और गाइस एज लेट्स सपोज 30 35 और 40 है। तो गाइस इस तरह आपने देखा मैंने 3 पेशेंट का डेटा अपनी पेशेंट वाली टेबल में स्टोर कर दिया। तो गाइस मतलब क्या है, समझाना गाइस मैं इतना चाहता भी आपको सिंपल यहाँ से, कि जब भी मैं अपना डेटा स्टोर करूँगा डेटाबेस में तो हमेशा टेबल की फॉर्म में करेंगे, जिसको हम गाइस आपके डेटाबेस की लैंग्वेज में रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब गाइस क्योंकि हम अपना सारा डेटा बेसिकली रिलेशन की फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं तो इस पूरे मॉडल को बोलते हैं गाइस हम आपका रिलेशनल मॉडल। मतलब एक मॉडल बन गया गाइस जिसमें हम अपना डेटा सारा का सारा रिलेशन की फॉर्म में स्टोर करेंगे। अब गाइस हमने रिलेशन की फॉर्म में स्टोर तो कर लिया, अब क्योंकि मैंने आपको बताया था जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या, बेसिकली जो आपने डेटाबेस में डेटा स्टोर करा है उस पर हम कुछ ऐसे सेट ऑफ प्रोग्राम लगाएंगे जिससे कि हमारा डेटा इफिशियंटली हमें मिल जाए और हम आसानी से उसमें डेटा कोई भी इंसर्ट कर सकें। तो गाइस क्योंकि आप अपना डेटा बेसिकली रिलेशनल मॉडल के फॉर्म में स्टोर कर रहे हो तो जो आपको यहाँ से डेटाबेस चाहिएगा या फिर बोल सकते हो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए गाइस, वो भी आपको रिलेशनल ही चाहिए। मतलब रिलेशनल डेटाबेस
मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको गाइस हम आपका RDBMS बोलते हैं। हमने गाइस अपना डेटा डेटाबेस में सबका सब रिलेशन की फॉर्म में स्टोर करा। अब जब मैंने गाइस अपना डेटा रिलेशन की फॉर्म में स्टोर करा, तो जब भी मैं कोई डेटा अपना स्टोर करूंगा तो गाइस वो मुझे टेबल की फॉर्म में स्टोर करना होगा। जब भी मैं अपने डेटा को आउटपुट में लूंगा या फिर जब भी मुझे कोई डेटा वहां से रिट्रीव करना होगा तो वो भी मुझे टेबल की फॉर्म में मिलना चाहिए। तो भाई उस सब के लिए हमें चाहिए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो बेसिकली आपकी टेबल के ऊपर ही सब कुछ परफॉर्म करेगा। टेबल की फॉर्म में आपका डेटा इंसर्ट करेगा, टेबल की फॉर्म में आपको आउटपुट देगा, ठीक है। तो भाई ये हो गया बेसिकली आपका रिलेशनल मॉडल और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। गाइस हमने इतना समझ लिया कि आपका डेटा रिलेशन की फॉर्म में स्टोर होगा। अब गाइस जो इसमें नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, वो है आपका की का। गाइस सबसे डेफिनेशन की बात करते हैं, तो गाइस पहले है गाइस की इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन रिलेशनल मॉडल। सेकेंड, की इज अ एट्रीब्यूट विच इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई द डेटा फ्रॉम डेटाबेस। मतलब गाइस की रिलेशनल मॉडल की गाइस बिल्कुल आप कह सकते हो कि एक बिल्डिंग ब्लॉक है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है की एक रिलेशनल मॉडल का। की की डेफिनेशन क्या है गाइस, की इज अ एट्रीब्यूट व्हिच इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई द डेटा फ्रॉम डेटाबेस। मतलब की गाइस एक एट्रीब्यूट है जो कि यूज होगा आपके डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। मतलब क्या है गाइस, मैंने बोला कि हम अपना डेटा टेबल के फॉर्म में स्टोर करेंगे। गाइस टेबल की फॉर्म में तो डेटा आप अपने एमएस एक्सेल में भी स्टोर कर सकते थे ना भाई। अगर आप एमएस एक्सेल की बात कर रहे हो तो गाइस वहां पे बेसिकली अपना सारा डेटा टेबल की फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो गाइस यहां पे फायदा क्या है, यहां पे गाइस फायदा ये होगा डेटाबेस का कि जब मैं लेट्स सपोज मुझे 500 एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करना है और मैंने अपने 500 एम्प्लॉय का डेटा गाइस अपने डेटाबेस में टेबल की फॉर्म में स्टोर कर दिया। अब गाइस मुझे नाम नहीं पता है, बट मुझे ये पता है कि मेरी 500 एम्प्लॉयज का जो आईडी है वो 1 से लेके 500 तक है सबकी। मतलब मैंने हर बंदे को उस आईडी दी हुई है जो कि 1 से 500 तक है। जरूरी नहीं है इसी ऑर्डर में आपका डेटा इंसर्ट हो डेटाबेस में, किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, ठीक है। अब गाइस लेट्स सपोज मैं बोलता हूं कि मुझे तो उस वाले बंदे का डिटेल चाहिए या फिर उस बंदे का नाम चाहिए जिसकी आईडी 250 है गाइस, क्योंकि मुझे पता है कि किसी बंदे की आईडी 250 है, मुझे उसका नाम चाहिए। तो गाइस की बेसिकली है क्या, की वो एट्रीब्यूट है जिसके बेस पे हम आपके डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे डेटाबेस से। मतलब समझता हूं गाइस, जैसे गाइस लेट्स सपोज एक टेबल मानते हैं स्टूडेंट रोल नंबर नेम एज एड्रेस एंड कोर्स, गाइस लेट्स सपोज रोल नंबर की बात करते हैं तो किसी का रोल नंबर 240, 241, 242, 243, 244। नेम की बात करते हैं गाइस ए बी सी ए डी, एज गाइस 25, 23, 22, 25, 20। एड्रेस की बात करते हैं गाइस तो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा। कोर्स की बात करते हैं गाइस, कोर्स लेट्स सपोज सबकी बीटेक है। अब गाइस ये यहाँ पे तो मैंने सिंपल आपके 5 डेटा इंसर्ट करे हैं। लेट सपोज मेरे कॉलेज में 1000 बच्चे हैं और मुझे ऐसे ही 1000 बच्चों का डेटा स्टोर करना है, मैंने स्टोर कर दिया। अब गाइस अगर मुझे कोई भी बच्चे का डेटा रिट्रीव करना है तो गाइस मुझे कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट देखना पड़ेगा जिसमें हर बच्चे की वैल्यू अलग हो।
मतलब अगर गाइस मैं रोल नंबर की बात कर रहा हूँ तो गाइस अगर 1000 बच्चे हों चाहे 10000 बच्चे हों, किसी का भी रोल नंबर रिपीट नहीं होगा, हर बच्चे का गाइस रोल नंबर अलग है। तो गाइस मैं हमेशा उस रोल नंबर के बेस पर अपने डेटा को आसानी से रिट्रीव कर सकता हूँ। तो गाइस ऐसे एट्रीब्यूट को हम बोलते हैं आपकी की, ठीक है। आप खुद बताओ, नेम गाइस दो बच्चों का रिपीट हो सकता है, बिल्कुल। एज भी दो बच्चों की रिपीट हो सकती है, एड्रेस भी गाइस दो बच्चों का रिपीट हो सकता है और कोर्स भी रिपीट हो सकता है। बट गाइस रोल नंबर एक ऐसी चीज है जो हर बच्चे का अलग है, मतलब रोल नंबर के बेस पे मैं किसी भी बच्चे की डिटेल फाइंड कर सकता हूँ। गाइस लेट सपोज मुझे किसी ने बोला कि भाई सी एस ब्रांच में जाओ और यश को बुला कर लाओ। अब गाइस मैं सी एस ब्रांच में गया और यश थे वहाँ पे 5, तो मुझे ये नहीं पता कौन से यश को बुलाना है। बट अगर मुझे किसी ने ये कह दिया कि भाई जिसका रोल नंबर 245 है उस बच्चे को बुला कर ले आओ, तो मैं डायरेक्ट क्लास में जाऊंगा और बोलूंगा भाई कौन सा बच्चा ऐसा है जिसका रोल नंबर 245 है, क्योंकि गाइस पूरी क्लास में 245 रोल नंबर सिर्फ एक ही बच्चे का होगा। तो गाइस जिस बच्चे का होगा मैं उसको वहां से ले जा सकता हूँ। तो गाइस इससे क्या होगा, क्योंकि रोल नंबर हर बच्चे का अलग अलग था, तो मैं रोल नंबर के बिहार पर अपनी डिटेल्स को इजीली फाइंड कर सकता हूँ एज कम्पेयर टू अदर एट्रीब्यूट्स, क्योंकि सब एट्रीब्यूट में वैल्यू रिपीट हो रही है बट रोल नंबर में गाइस आपकी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। तो ऐसे एट्रीब्यूट होते जाता हूँ कि की, और मैंने यही बोला था की इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई द डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस, क्योंकि गाइस यूनिकली आइडेंटिफाई करा उसने किसी भी डेटा को, ठीक है भाई। जो मैं यश को बनाने गया था बेसिकली ऐसे डेटा था मेरे लिए जिसको मुझे रिट्रीव करना था, तो मैंने जब उसका रोल नंबर बोला तो उससे मुझे अगर 10 यश भी हुए तो भाई 10 यश में से भी किसी एक यश का रोल नंबर तो 240 या 241 होगा जो मुझे बुलाना है। तो जो भी रोल नंबर बोलूंगा उस रोल नंबर वाला यश खड़ा होगा हमेशा चलेगा। तो भाई रोल नंबर की हेल्प से, क्योंकि मैंने आसानी से एक चीज को आइडेंटिफाई कर लिया, तो भाई इसलिए ऐसे बोलते हैं बेसिकली आपकी की, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ की। गाइस की आपकी काफी तरह की होती है। गाइस पहली है आपकी प्राइमरी की, देन है गाइस आपकी सुपर की, देन है गाइस आपकी कैंडिडेट की, एक है गाइस आपकी अल्टरनेट की, और एक है गाइस आपकी फॉरेन की। गाइस बात करते हैं पहले प्राइमरी की। गाइस लेट्स सपोज वही रोल मानता हूँ मैं अभी, रोल नंबर नेम मोबाइल नंबर, एक मैंने कुछ आईडी रखी है बच्चों को। गाइस रोल नंबर लेट्स सपोज 1 2 3, नेम ए बी सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। गाइस आपको इस टेबल से पता लग रहा है कि हर बच्चे का रोल नंबर अलग होगा, तो ऐसी की या फिर ऐसा एट्रीब्यूट जिसको मैं अपनी टेबल के लिए गाइस की यूज की के लिए यूज करूंगा, ऐसे एट्रीब्यूट को बोलते हैं गाइस हम आपका प्राइमरी की। मतलब गाइस वो एट्रीब्यूट जिसको मैंने पकड़ा या फिर जिसको मैंने यूज करा अपनी टेबल से यूनिकली आइडेंटिफाइड डेटा को रिट्रीव करने के लिए, उस की उस एट्रीब्यूट को बोला जाए आपको प्राइमरी की। अब भाई ऐसा हो सकता है कि एक टेबल में एक से ज्यादा प्राइमरी की हो, जैसे कि यहाँ पे रोल नंबर है और आईडी है, हर बच्चे की आईडी अलग अलग है और हर बच्चे का रोल नंबर भी अलग अलग है। तो भाई क्योंकि यहाँ पे दो प्राइमरी की बन सकती है, या तो रोल नंबर को मैं आपकी प्राइमरी की बना सकता हूँ या फिर आईडी को बना सकता हूँ। तो भाई क्योंकि अगर दो बन सकती है तो मैं प्राइमरी की तो एक ही बनाऊंगा ना, और हमेशा गाइस हम अपना डेटा बेसिकली प्राइमरी की से रिट्रीव करते हैं। तो जिसको मैंने प्राइमरी की बना दिया वो तो ठीक है, जो दूसरी बची जो प्राइमरी की बन सकती थी बट नहीं बनी गाइस, उसको बोलते हैं हम आपकी अल्टरनेट की। भाई नाम से पता लग रहा है अल्टरनेट मतलब दूसरी की, या फिर एक अल्टरनेट एक वो सोल्यूशन है अगर आपकी वो प्राइमरी, मतलब दो की थी गाइस आपके पास जिसको प्राइमरी की बना सकते थे, आपने दो में से किसी एक को बना दिया जो दूसरी बची उसको बोलते हैं गाइस आपकी अल्टरनेट की, ठीक है। तो गाइस आपने प्राइमरी की देख लिया और हमने गाइस आपका अल्टरनेट की देख लिया। अब बात करते हैं आपकी गाइस हम सुपर की।
गाइस लेट्स सपोज रोल नंबर नेम एज एंड एड्रेस एंड सो ऑन गाइस कुछ आपका एट्रीब्यूट है अलग अलग हमने देखा गया पर रोल नंबर और जो भी कुछ एट्रीब्यूट थे हमने प्राइमरी की और आपके अल्टरनेट की देख ली है। अब बात करते हैं सुपर की भी। गाइस हमें पता है कि एक से ज्यादा बच्चों के नेम रिपीट हो सकते हैं, एक से ज्यादा की एज रिपीट हो सकती है या फिर और भी चीजें जो रिपीट हो सकती है। अब गाइस ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ रोल नंबर एक ही बन सकती है, या मैंने ऐसा भी नहीं बोला कि आपका सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट की हो सकता है। भाई अगर मैं बच्चों का नेम और उनका मोबाइल नंबर दोनों को जोड़ दूं और अगर मैं उन दोनों एट्रीब्यूट को कंबाइन करके एक की बनाऊं तो गाइस गूगल की बन रहा है। गाइस खाली आपका नेम की नहीं बन पा रहा था, माना मैंने, क्योंकि आपका की मतलब जो नेम था वो रिपीट हो रहा था, बट गाइस जब मैं नेम को किसी और एट्रीब्यूट के साथ कंबाइन कर रहा हूँ तो गाइस वो की तरह काम कर रहा है, क्योंकि नेम और मोबाइल नंबर दोनों की कंबाइन की बात करूं तो गाइस किन्हीं भी दो बच्चों का ये दोनों चीज कंबाइन होके सेम चीज आ सकती है, क्योंकि मोबाइल नंबर हर बच्चे का अलग अलग होगा। ठीक है, तो गाइस जब हम बेसिकली एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को जोड़ करके की बनाते हैं तो गाइस उसको बोलते हैं हम आपकी सुपर की। मतलब गाइस नेम आपका खाली की नहीं बन पा रहा था, हाँ माना खाली मोबाइल नंबर की बन सकता था, बट जब मेरे पास रोल नंबर है उससे अच्छा ऑप्शन था, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत क्या थी, एक स्टूडेंट के एक से ज्यादा मोबाइल नंबर हो सकते हैं और गाइस क्योंकि मुझे बट एक स्टूडेंट का रोल नंबर एक ही होगा, क्योंकि गाइस एक स्टूडेंट का रोल नंबर एक ही होगा और मोबाइल नंबर दो हो सकते थे, तो गाइस मैंने इससे अपने रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया था, ना कि मैंने मोबाइल नंबर को बनाया था। बट गाइस जब मैं नेम और मोबाइल नंबर दो चीज रिपीट कर दूंगा तो गाइस वो चीज हमेशा एक होगी, तो ऐसी की को बोलते हैं आपकी सुपर की। ठीक है, नेक्स्ट नेम और मोबाइल नंबर बनाया, गाइस एक चीज और भी हो सकती है, जैसे मैंने यहाँ पे आईडी था, मैंने रोल नंबर को आपके प्राइमरी की कंस्ट्रक्ट कर दिया था, मैं नेम और आईडी अगर दोनों को कंबाइन कर दूं तो गाइस ये भी दोनों आइडेंटिफाई यूनिकली करेंगे। नेम आपका खाली नहीं कर पा रहा था मानता हूँ, लेकिन आईडी तो कर पा रहा था ना गाइस, क्योंकि मैंने आईडी को प्राइमरी की नहीं बनाया, तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो गाइस ये दोनों भी आपका आइडेंटिफाई यूनिकली करेंगे डेटा को, तो गाइस इस तरह की वो बोलते हैं आपकी सुपर की। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है गाइस आपकी कैंडिडेट की। गाइस कैंडिडेट की बात करूं तो मिनिमल सुपर की, मतलब आपके गाइस सुपर की में एक से ज्यादा एट्रीब्यूट है, गाइस वो सबसे छोटा एट्रीब्यूट कॉम्बिनेशन मान लो, या फिर वो सबसे छोटा एट्रीब्यूट खाली एक, या फिर एट्रीब्यूट सब कॉम्बिनेशन जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा डेटा को। मतलब यहां पे गाइस हमने देखा आपका नेम और आईडी एक सुपर की तरह काम कर रहा था। ठीक है, अगर मैं खाली नेम की बात करूं, खाली नेम आपका गाइस यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि आपके दो बच्चों का नाम सेम हो सकता है। अगर मैं गाइस आईडी की बात करूं तो गाइस आईडी आपका यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेगा डेटा को। ठीक है, क्योंकि गाइस मैंने आपकी आईडी को प्राइमरी की नहीं बनाया था, तो मैंने इसलिए इसको इसके साथ जोड़कर एक सुपर की बना दी थी, और क्योंकि खाली आईडी भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है और गाइस वो एक सुपर की का एक सब पार्ट है, तो गाइस वो हो गई आपकी बेसिकली एक कैंडिडेट की। मतलब गाइस अगर आप सुपर की बात करो तो सुपर की तो देखा जाए तो एक सुपर सेट है गाइस, किसका, कैंडिडेट की का। भाई मैंने कैंडिडेट की बोली मिनिमल सुपर की, मतलब सुपर की में से गाइस वो सबसे छोटा एट्रीब्यूट जो खाली यूनिकली आइडेंटिफाई कर लिया गाइस डेटा को। ऐसा हो सकता है कि लेट सपोज आपके दो चीज थी यहां पर, नेम और एड्रेस, खाली नेम भी गाइस लेट सपोज यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता और खाली एड्रेस भी नहीं कर सकता, बट अगर मैं दोनों को जोड़ रहा हूं तो दोनों गाइस एक साथ कर रहे हैं,
क्योंकि भाई इससे छोटा ऐसा इस की में से कोई चीज नहीं निकल रही है जो यूनिक आइडेंटिफाई कर लेगा। तो भाई नेम और एड्रेस आपकी कैंडिडेट की भी हो गई यहाँ पर, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है भाई, सुपर की में से वो सबसे छोटा पार्ट जो आपकी टेबल के डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेगा उसको होगा आपका कैंडिडेट की। गाइस इतना प्लीज सबको ध्यान से समझें। अभी नेक्स्ट सेक्शन में आपको मैं फॉरेन की कांसेप्ट बताऊंगा, फिर फॉरेन की वाला कांसेप्ट थोड़ा अलग भी है इनसे और थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी गाइस काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी हैं, कुछ जॉब पर याद रखनी पड़ती है जिसके ऊपर कंपनी एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस इतना प्लीज सबको ध्यान से समझें, नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं गाइस आपकी फॉरेन की कांसेप्ट। थैंक यू गाइस।